हेलो बच्चों, कैसे क्या हो हाल आप चाल। लोग। चलो तो आज अपन करने वाले हैं सैनिक और नौदय का कंपैरिजन भी बोल लो या इनकी सिमिलैरिटी भी। और ये आज आपको बहुत डिटेल में पता चल जाएगा कि सैनिक और नौदय में क्या अंतर है। बिल्कुल, हमारे चैनल का नाम है एडुमेंशन सैनिक एंड नौदय। वीडियो में सैनिक वर्सेस नौदय चल रहा है। मेरा नाम है सुरेश गुप्ता, ऑल्सो नोन एज मोंटू सर। दिस इज अवर मैथ्स टीचर सौरभ अग्रवाल सर, ऑल्सो नोन एज गोलू सर। हम आपको अब पूरे डिटेल्स बताते हैं कि सैनिक और नौदय में क्या होता है। मैं सैनिक स्कूल से पढ़ाऊं तो मैं सैनिक के बारे में बताऊंगा, सौरभ सर नौदय के बारे में बताएंगे। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ जो स्कूल्स हैं नवोदय विद्यालय पूरे इंडिया में वो है 661। वहीं पर सैनिक स्कूल की बात करें तो वहां पर 33 ओल्ड सैनिक स्कूल्स हैं और अभी 40 न्यू बने हैं। 40 न्यू सैनिक स्कूल के बारे में ज्यादा डिटेल्स अभी अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे, पर 33 स्कूल्स के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आपको हमारे वेबसाइट sainikschool.org.in में मिल जाएगा। अगर बोर्ड की और करिकुलम की बात करें तो नवोदय में प्योर सीबीएसई बोर्ड को फॉलो किया जाता है, पूरा करिकुलम सीबीएसई के हिसाब से होता है। सिमिलरली सैनिक स्कूल्स में भी सीबीएसई ही चलती है, हालांकि बीच में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये बातें चल रही थी कि सैनिक स्कूल में एक स्पेशल बोर्ड बनाया जाए जो सिर्फ मिलिट्री वालों के लिए रहे, बट वो कैंसिल हो गया, तो अभी भी सीबीएसई ही चलता है। नवोदय विद्यालय में सिर्फ क्लास 6 और 9 में एडमिशन होते हैं और उसके लिए आपको एग्जाम देनी पड़ती है JNVST जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। और सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए आपको देना पड़ता है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, व्हिच इज आल्सो नोन एज AISSEE। इसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है पहले, उसके बाद आपका जो सिलेक्शन होता है, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए जाना पड़ता है और फिर फाइनली आप एडमिशन ले सकते हैं। नवोदय विद्यालय में जो आपकी एज क्राइटेरिया है वो है 9 से 13 साल। थोड़ा सा कम गैप दिया गया है सैनिक स्कूल में, एज का जो डिफरेंस है वो है सिर्फ 10 to 12 years, 10 से कम के नहीं हो सकते और 12 से ज्यादा के नहीं हो सकते अगर आपको क्लास 6 में सैनिक स्कूल में एडमिशन चाहिए तो। नवोदय विद्यालय को बनाया गया है ताकि रूरल एरिया पर एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, इसीलिए नवोदय विद्यालय में जो आपकी आपकी जो रिजर्वेशन होती है वो मेनली रूरल SC ST OBC गर्ल्स और PWD के लिए रिजर्व रहती है। सैनिक स्कूल में अर्बन या रूरल का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, आप बड़े शहर से छोटे शहर से फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ कैटेगरी का आपको रिजर्वेशन मिलता है ST ST OBC। नवोदय से डिफरेंट इसमें यह है कि इसमें डिफेंस कैटेगरीज को भी रिजर्वेशन मिलता है। अगर बात करें कि क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है नवोदय स्कूल में, तो आपको हॉस्टल एकोमोडेशन, स्पोर्ट्स फैसिलिटी और मेडिकल केयर प्रोवाइड करी जाती है स्कूल की तरफ से। सैनिक स्कूल में भी सेम सिनेरियो है, यहाँ पर भी आपको हॉस्टल एकोमोडेशन दिया जाता है, आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज दी जाती है, साथ ही साथ में मेडिकल केयर और बाकी प्लेग्राउंड वगैरह तो हर स्कूल में अवेलेबल होता ही है। स्कॉलरशिप आपकी मेरिट के हिसाब से एससी और एसटी स्टूडेंट को मिलती है, मेरिट के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप डिसाइड होती है और वो आपको मिलती है। सैनिक स्कूल में भी जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं प्लस जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं जैसे कि एसटी हैं या एससी हैं, उनको भी रिजर्वेशन मिलती है। स्टेट स्टेट पे डिपेंड करता है, छत्तीसगढ़ में एसटी बहुत ट्राइबल कम्युनिटीज बहुत हैं, इस वजह से छत्तीसगढ़ में एसटी रिजर्वेशन बहुत हाई है, बट दूसरे दूसरे एरियाज में आप देखोगे तो एसटी और एससी में डिफरेंस आ जाता है काफी सारा परसेंटेज का। हालांकि पिछले 2-3 सालों से सरकार ने हर स्टेट के लिए ये कॉमन कर दिया है कि कितने एसटी और एससी सीट्स होंगी। स्कूल जो है आपके नवोदय के वो आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल तो है ही, प्लस रीजनल स्कूल्स भी हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हैं और हिंदी मीडियम स्कूल्स भी हैं नवोदय के। मीडियम यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश है, आप किसी दूसरे मीडियम से सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं। यू हैव टू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश टू लर्न इन सैनिक स्कूल्स। अगर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की मैं बात करूं तो PT, NCC, स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में भी बहुत ध्यान दिया जाता है नवोदय विद्यालय। अगर करिकुलर एक्टिविटीज की बात की जाए तो सैनिक स्कूल में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज दी जाती हैं जो नॉर्मल स्कूल से आपको ना मिले, जैसे कि यहाँ पर PT तो फिजिकल ट्रेनिंग तो कराया जाता है हर दिन 1 घंटे दिन के टाइम पे, शाम को आपके 1.5 घंटे का स्पोर्ट्स होता है, साथ ही साथ में NCC कराते हैं, परेड बहुत कॉमन है, हर टाइम आपको परेड की प्रैक्टिस की जाती है, स्पोर्ट्स हर तरीके के कराए जाते हैं इंडोर एंड आउटडोर, डिबेट्स, ड्रामास और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सैनिक स्कूल में कराई जाती है। जो नवोदय विद्यालय है वो कोहेड है दोनों के लिए, गर्ल्स वर्सेस बॉयज, गर्ल्स एंड बॉयज। सैनिक स्कूल में काफी लंबे टाइम से सिर्फ बॉयज ही पढ़ सकते थे, जब मैं सैनिक स्कूल में था उस पीरियड में भी सिर्फ बॉयज ही अलाउड थे,
बट रिसेंटली पिछले 3-4 सालों में गर्ल्स का एडमिशन भी शुरू हुआ है, तो अभी हम ऐसा कह सकते हैं कि सैनिक स्कूल्स कोएड है बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए। गर्ल्स की सीट्स बहुत कम होती हैं, अगर बॉयज के लिए 80 सीट्स एक स्कूल में तो हो सकता है गर्ल्स के लिए सिर्फ 10 सीट्स 10 सीट्स अवेलेबल हो। नवोदय विद्यालय हर एक बच्चे के लिए बिल्कुल फ्री है, उनका ड्रेस, उनकी बुक्स और उनका पूरा स्टडीज, एक एक फॉर्म की फीस, सब कुछ फ्री है। तो नवोदय फ्री है बट सैनिक फ्री नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सैनिक में फीस जो है वो 1.5 से 2 लाख तक की हो सकती है। 15-16 ईयर्स अगो जब मैंने एडमिशन लिया था उस टाइम पे इसकी फीस 70,000 के आसपास थी, बट अभी ये 1.5 से 2 लाख है, बट वर्थ इट है इतना पैसा भी देना, क्योंकि वहां ऐसी फैसिलिटीज मिलेंगी आपको। आपके स्कूल के करिकुलम के साथ साथ 11th 12th के बच्चों को IIT JEE, नीट और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कराई जाती है। सैनिक स्कूल में भी एजुकेशन बहुत अच्छा है, स्पेसिफिकली आपको नीट या JEE की प्रिपरेशन नहीं कराई जाएगी, बट आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि वहां से बच्चे JEE नीट वगैरह क्लियर करते हैं। मैंने खुद JEE क्वालिफाई किया था, मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा था, पर वहां पर जो मेन फोकस होता है वो डिफेंस एग्जाम्स पे, स्पेशली NDA के एग्जाम पे किया जाता है। इसीलिए आप देखिएगा तो मैक्सिमम जो सैनिक स्कूल से सिलेक्शन होते हैं NDA में वो सैनिक स्कूल से ही होते हैं। डिसिप्लिन, नवोदय की बात करें तो सबसे ज्यादा इंफेसाइज करते हैं वो डिसिप्लिन और मोरल वैल्यू सिखाने पर हर एक बच्चे। डिसिप्लिन नवोदय में तो है ही, साथ ही साथ में डिसिप्लिन सैनिक स्कूल में भी बहुत स्ट्रिक्ट है। जितना स्ट्रिक्ट है कि जब मैं स्कूल में था और हम सावधान में खड़े हैं और हमने थोड़ा सा सिर भी हिला दिया और हमारे कैप्टन ने देख लिया तो हमारी कुटाई हो जाती थी। पनिशमेंट बहुत मिलता है क्योंकि डिसिप्लिन बहुत है, लेकिन वर्थ इट है क्योंकि वहां से आपके अंदर आता है स्ट्रेंथ। टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, जो नंबर ऑफ सीट्स है टोटल नवोदय में, वो है टोटल 51,000 और जो लोग अपीयर करते हैं वो है 2,42,000। इसका मतलब अगर देखा जाए तो सिर्फ 21% लोगों का सिलेक्शन होता है नवोदय एग्जाम में। जो लोग एग्जाम दिए हैं उसमें से 21% स्टूडेंट ही नवोदय स्कूल में जाते हैं। सर ने बोला सिर्फ 21% का, तो मैं आपको बता दूं 21% बहुत ज्यादा है, 21% बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। क्योंकि सैनिक स्कूल की बात की जाए तो पुराने सैनिक स्कूल में टोटल 3500 अप्रोक्सीमेटली सीट थी। नई सैनिक स्कूल्स की डिटेल्स नहीं आई हैं अभी तक अच्छे से, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इस वजह से हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते हैं कि ये 5000 है या 6000 है, बट फिर भी आप अगर अप्रोक्सीमेटली जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर देखेंगे तो वो 1,80,000 है। तो अगर 3500 के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.9% सिलेक्शन रेशियो है। इवन तो नए सैनिक स्कूल को ऐड करने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि 3% से ज्यादा सिलेक्शन रेशियो होगा। यानी कि अगर आप डॉक्टर बनने के लिए नीट एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं कंपेयर टू सैनिक स्कूल। सो इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन दिस कंट्री। रही बात क्लोथिंग और बुक्स की, तो आप नवोदय में आपको जो बुक्स हैं वो स्कूल प्रोवाइड कराता है, क्लोथिंग आपको स्कूल प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट। सैनिक स्कूल में भी आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जाते हैं क्लोथिंग के लिए और बुक्स के लिए, बट हाँ आपकी फीस तो जमा हुई है तो उसी फीस में पहले से ऐड कर देते हैं ट्यूशन फीस और जो कपड़ों का फीस है बुक्स का फीस है। तो आई थिंक आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया होगा, जानकारी मिल गई है सैनिक और नवोदय की, और जो बेसिक डिफरेंस आपके ब्रेन में था कि सैनिक और नवोदय में क्या डिफरेंस है सारी चीजें वो आपको आज क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा आपको कुछ भी अगर डाउट है या हमसे चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बिल्कुल, और कोर्स लॉन्च हो रहा है 1 मई को सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए फौजी बैच के नाम से। ऐप लॉन्च हो चुका है, वेबसाइट हो चुकी है, उसकी वीडियो भी आपको इस चैनल के अंदर मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक तारीख को प्रीमियर हो रही है, यहाँ पर आपको भी चैनल के अंदर में शो भी हो जाएगा। तो आई होप आप लोग हमसे जुड़े, हमसे कॉन्टेक्ट रखें, हमारे एडमिशन लें और हम आपको सिलेक्शन देंगे सैनिक स्कूल के अंदर। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एडमिशन सैनिक के नौदे क्लासेस। टाटा, जय हिंद।